समाचार में हूं निवेदिता। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन के लिए फरलो दे दी है, जिससे राम रहीम के समर्थकों में खुशी का माहौल है। अब नजर है पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि प्रदेश की 117 विधानसभा सीटों में से करीब 56 से 69 सीटों पर डेरा सिरसा का खासा प्रभाव है। अब चुनाव है तो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी जल्द कोई ऐलान किया जा सकता है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है, ऐसे में डेरा सच्चा सौदा को इसके लिए रणनीति अभी से ही तय करनी होगी। बाकी अन्य पार्टियों के लिए भी डेरा सच्चा सौदा के चुनाव को लेकर रणनीति काफी अहमियत रखती है। 2014-2019 में हरियाणा में बीजेपी की जीत में डेरा सच्चा सौदा ने बड़ी भूमिका निभाई थी, तो क्या डेरा सच्चा सौदा इस बार पंजाब चुनाव में बीजेपी को करेगा सपोर्ट? सवाल अहम है इसलिए क्योंकि पंजाब में करीब 300 डेरे हैं, जिनमें से करीब 10 डेरों के समर्थकों की संख्या लाखों में है। इनमें राधा स्वामी ब्यास डेरा सच्चा सौदा, निरंकारी, नामधारी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, डेरा सचखंड बलना, डेरा बेगोवाल के नाम प्रमुख हैं। अगर इन सब डेरों का किसी भी पार्टी को साथ मिल जाए तो कोई भी पार्टी आसानी से जीतकर अपनी सरकार बना सकती है। माना तो यही जाता है कि जिस भी पार्टी को डेरा सपोर्ट करता है, जीत उसी की होती है, क्योंकि डेरा को तो किसी एक को सपोर्ट करने के आदेश दिए जाते हैं। ऐसे में जो कोई भी पार्टी डेरा पर अपना प्रभाव बनाने में कामयाब हो जाए, उसकी जीत निश्चित है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में डेरा सच्चा सौदा अपना समर्थन किसको देता है। यही वजह है कि चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में इन डेरों का समर्थन हासिल करने की होड़ सी लग जाती है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने अपने अनुयायियों को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने का निर्देश दिया था। नतीजा ये हुआ कि शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार कई ऐसी जगहों पर चुनाव हार गए थे जिन्हें अकालियों का गढ़ माना जाता था। इसीलिए इसके बावजूद भी शिरोमणि अकाली दल पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रहा और डेरा सच्चा सौदा के साथ उसके संबंधों में खटास आ गई थी। 2012 के चुनाव में पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह डेरा सच्चा सौदा से समर्थन मांगने के लिए गुरमीत राम रहीम से मिले थे, लेकिन उस साल डेरे ने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया था। डेरा अकाली दल से बिगड़े हुए संबंधों को सुधारना चाहता था, इसलिए उसने अकाली उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करवाया था। नतीजा ये हुआ कि अकाली दल का प्रदर्शन सुधरा और अकाली दल ने 56 सीटें जीती। इन चुनाव में कांग्रेस 46 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी और फिर एक बार अकाली दल और बीजेपी की सरकार बनी थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने अकाली दल का साथ दिया, जिसका असर यह हुआ कि चुनाव हारने के बाद भी 25% वोट शेयर को बरकरार रख पाया था अकाली दल। हालांकि पिछले कुछ साल में डेरा सच्चा सौदा की मुश्किलें बढ़ी हैं। गुरमीत राम रहीम दो महिला अनुयायियों से रेप के मामले में 20 साल और एक पत्रकार और एक अनुयायी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हालांकि अब जब फरलो पर बाहर आया है तो देखते हैं अब पंजाब विधानसभा चुनाव में इसके बाद क्या गहमा गहमी देखने को मिलती है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार डेरा पंजाब में किसको करेगा सपोर्ट, किसको अपना समर्थन देगा डेरा सच्चा सौदा? इस बार कौन सी पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगा डेरा? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।